हरे कृष्ण साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 2.3 एक चर वाली रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वो कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना, इसका जो है वो हल ज्ञात करना है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है वो हमारा 7 में है, 4y+1/3 + 2y-1/2 और ये -3y-7/5, ये 47/10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, तो हल दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि चर वाले को एक साइड अचर वाले को एक साइड करते, तो यहाँ पे जो है नहीं कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो सबसे आसान है कि इसको एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए और फिर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये जो हुआ यानी कि चर वाला एक साइड अचर वाला एक साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 3 × 2 = 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 × 2 = 5। देखिए, किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, सभी गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 3 = 15 × 2 = 30 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 10 से इसको गुना करेंगे, अर्थात ये 10 × 4y+1 प्लस, अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 से इसको हम गुना करना पड़ेगा, तो ये 2y-1 और ये माइनस, अब देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 × 6 = 30, 6 आएगा और 6 से इसको गुना करेंगे तो अर्थात ये 3y-7 हो जाएगा, = ये 47/10 हो जाएगा। देखिए 10 × 30 = 30 हो गया, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, इसको हम ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, तो अब देखिए ये जब इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 × 40y + और ये हमारा 10 हो जाएगा प्लस 15 × 2 = 30y हो जाएगा और ये माइनस, ये हमारा 15 हो जाएगा माइनस 6 × 3 = 18y −+7 = 42, अब बटे में हमारा हो जाएगा 3 = 47/1 हो जाएगा। तो अब देखिए 40 × 30 = 70, 70 में से 18 को हम घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि 52y हो जाएगा, 52y। और ये देखिए 10 = 5, यानी कि ये 10 में से -15 घटाएंगे तो -5 और ये भाई साहब -5, 42 में से -5 को हम घटा देंगे तो ये जो है हमारा 37 आएगा, तो प्लस ये हमारा 37 आ जाएगा बटे ये 3 = 47/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये इतना हो गया। तो चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं जो है मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये जो है देख लीजिएगा आप लोग, तो ये जो है -5, चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब ऐसे ही उतर जाएगा, 52y+37 = ये 47 × 3 हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 52y+37 = 7 × 21 = 1 4 × 12 = 13 × 14 = 4 7 × 21 = 1 4 × 12 = 4 अब देखिए ये हमारा 52y = 141 और -37। अब जो है वो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो देखिए ये हमारा 52y = 141 में से 37 को घटाएंगे, 7 × 4 = 11 और ये 0 × 1 = 11 = 3 × 4 यानी कि 4 आया हुआ है, देर फॉर ये y = 104/52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो है वो 26 बार में कर जाएगा 2 से और ये 5 × 2 = 52 हो जाएगा, 26 × 2 = 52 कितना हो गया 52, तो देर फॉर ये y = कितना आया, 2 आया है, 2 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जो है वो सभी जगह रखिएगा, ये जो है वो 47/10 आ जाएगा, 47/10 आया है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम इसको हल करते हैं 8 नंबर को, तो यहाँ पर हल दे दीजिएगा और फिर इसको हल करिएगा, ठीक है। ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1/2 हम लिख सकते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 + 0.7x = 0.95x ये हो जाएगा। ये जो है वो आसानी से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है वो यानी कि इसमें एलसीएम सब लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको हम आसानी से, अब देखिए ये जो हम यानी कि एक्स वाले को एक साइड बिना एक्स वाले को एक साइड कर सकते हैं, इसको हम उस साइड भेज देते हैं, अर्थात ये हमारा आएगा 0.3
इज इक्वल टू 0.95x और माइनस ये 0.7x, ये इतना आएगा। अब देखिए इसको हम घटाएंगे कैसे, तो देखिए 0.95 है और ये इंटू 0.7 ये हमारा है, तो एगो जीरो दे दीजिए, 5 9 में से 7 जाएगा तो 2.025 आएगा, अर्थात ये देखिए 0.3 इज इक्वल टू ये हमारा 0.25x, ये इतना हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू हमें चाहिए, तो x इज इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 0.3 बटे ये 0.25, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर अगर इसको और सिंप्लीफाई किया है तो आप भी जो है इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप कैसे करिएगा, तो देखिए ये जो है हमारा 0.3 है और बटे ये हमारा 0.25 है, ये इतना है। तो अब देखिए ये भाई साहब दशमलव उड़ेगा तो 2 को 0 आएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि 250/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 250/ ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, 6 5 6 30 और 5 25, यानी कि 6/5 आया हुआ है, 6/5, तो 6/5 आया है, तो इसको हम दशमलव बदल देंगे तो x इज इक्वल टू 1.2 आएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा भी आंसर 5/6 6/5 दिया होगा तो 6/5 या फिर 1.2 दिया होगा तो 1.2, तो ये जो है वह हमारा इसका सोल्यूशन कम्प्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 7 नंबर 8 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।